बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम नसरुल्लाह खान है और मैं डिप्टी कमिश्नर डी ए खान हूँ। आज 27 अगस्त 2022 है और वीडियो को रिकॉर्ड कराने का मकसद सैलाब की जो सूरत है उसके हवाले से आपको अपडेट्स देना है। आप जानते हैं कि कल तक बारिश रही है मुस्तकिल, जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा मकदार में डी ए खान को चारों तरफ से घेरे रखा और एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बनी रही। रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश आया वो ये है कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जहाँ जहाँ सड़कें काटी हैं वहाँ पर हमारी रिलीफ गुड्स नहीं पहुँच सकी, गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वेदर क्लियर हो गया और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के तआवुन से और हुकूमत की डायरेक्शंस के मुताबिक आज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेली का ऑपरेशन हम इंशाल्लाह शुरू करा देंगे। एक बात की वजाहत यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि लोगों का ये लोग डिमांड रही है कि हेली ऑपरेशन अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया। तो आप जहन में रखें कि जब बारिश होती है उसमें हेली ऑपरेट नहीं कर सकता। कल शाम तक बारिश रही है, आज जैसे ही क्लियर हुआ है तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज हम ये ऑपरेशन शुरू करें। अब जो मेरी आपसे गुजारिशात हैं थोड़ी सी वो ये हैं कि आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तआवुन करना है। तआवुन इस सूरत में कि ऐसी तमाम फैमिलीज जो कि स्टक हुई हैं कहीं पर, तो जब हमारी रिलीफ हमारी बोट्स आप तक पहुँचती है, हेली आता है, आप कोशिश करें कि आप हमारे साथ मूव करें। यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया है पिछले एक महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अपना घर नहीं छोड़ते। अब काफ़ी दिनों से पानी खड़ा होने की वजह से आप ये इमारतें जो मखदूश हो चुकी हैं जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिलीफ कैंप हमने इस्टेब्लिश किया जहाँ पर आपको शेल्टर, फूड और मेडिसिन तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है हुकूमत की जानिब से। तो आप हमारे साथ प्लीज़ इस चीज़ में तआवुन करें ताकि हम आपको सेफ जगह पर शिफ्ट कर सकें। जैसे ही हालात बेहतर हो गए इंशाल्लाह हम आपको आपके एरियाज में दोबारा से सेटल कराएंगे। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हमने कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया हुआ जो कि अभी नंबर स्क्रीन पर नंबर भी आ जाएगा 09669280116। इस नंबर पर आप हमसे राबता कर सकते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं, जबकि आप हमें इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमसे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप कॉन्टैक्ट करें तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप हमें किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर ज़रूर दें ताकि हम उनसे रब्ता कर सकें। वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के नाम लिखकर बता दिया जाता है कि एक फैमिली वहाँ पर स्टक हो गई है, तो उस फैमिली को लोकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतने पानी के अंदर। हमारी 112 की टीम्स, आर्मी की टीम्स, पुलिस, सारे रेवेन्यू स्टाफ बोट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि एग्जैक्टली किस इलाके की बात की गई है। तो ये मेहरबानी कीजिए कि जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं